तो ट्राई बेसिक एसिड, एसिड का बेसिसिटी का मतलब होता है कि वो कितना हाइड्रोजन एटम्स उसमें है, जो हाइड्रोजन आयन्स बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के फिर हाइड्रोनियम आयन्स बनाएगा। तो ट्राई बेसिक एसिड का मतलब है कि उसका बेसिसिटी, उस एसिड का बेसिसिटी 3 है, मतलब कि 3 हाइड्रोजन एटम उसमें है जो कि आयोनाइज होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन्स बन जाएगा और फिर हाइड्रोनियम आयन्स बनाएगा। तो ये कैसे होता है, जैसे कि H3PO4 है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो होता क्या है कि इसका जो ये तीनों हाइड्रोजन है, तीनों ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, मतलब कि निकल सकता है और एच प्लस आयन बना सकता है। तो ये जब आयोनाइज करता है, ये ऐसे आयोनाइज करता है H3PO4, और आयोनाइज करने का मतलब है आयन्स इसमें से बनेगा और वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो पहले एक एच प्लस निकलेगा, जब एक एच प्लस निकलेगा तो इसमें क्या बचेगा, दो हाइड्रोजन और PO4, तो H2PO4, और एक हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज के साथ निकलेगा, तो बाकी जो बचेगा, बाकी का जो पार्ट है उस पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। फिर ये H2PO4 माइनस जो है, ये और एक H+ निकालेगा, इसमें से एक और H+ निकलेगा, तो क्या बचेगा, HPO4 बचेगा, HPO4। अब टोटल दो हाइड्रोजन निकल चुका, 2H+ निकल चुका, तो इसके ऊपर जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा 2-। फिर उसके बाद ये HPO4 2-, ये भी फाइनली टूट जाएगा और जो लास्ट H+ है वो भी निकल जाएगा। फिर बचेगा सिर्फ PO4, और PO4 के ऊपर जो चार्ज होता है वो 3- होता है। तो PO4 के ऊपर चार्ज होता है 3-, इसलिए PO4 के साथ जब एक हाइड्रोजन आता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का चार्ज H+ होता है, तो +1 और 3- मिलकर के -2 हो जाता है। इसीलिए PO4 के साथ जब एक हाइड्रोजन आता है तो उसका चार्ज हो जाता है -2, और इसीलिए PO4 के साथ, PO4 का खुद का चार्ज 3- है, तो उसके साथ अगर दो हाइड्रोजन आ गया H2, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन का चार्ज हो जाएगा 2+, और PO4 का खुद का चार्ज 3-, तो 3- और 2+ मिलकर के हो जाएगा 1-। इसीलिए PO4 के साथ जब दो हाइड्रोजन है तो उसका टोटल चार्ज है 1-। तो ये, तो इसको बोलते हैं 3-स्टेप आयोनाइजेशन, 3 स्टेप में ट्राइबेसिक एसिड आयोनाइज करता है। अब इसमें ये चीज़ है कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, अच्छा उससे पहले ये चीज़ कि यहाँ पे टोटल जो ये रिएक्शन है, अगर इसको टोटली समराइज किया जाए तो क्या होगा, H3PO4, और फिर उसके बाद टोटल 3H+ प्रोड्यूस हुआ, तो 3H+, फिर ये जो प्रोड्यूस हुआ था ये यूज़ अप हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये जो प्रोड्यूस हुआ था ये भी यूज़ अप हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 3H+ के साथ बचा ये PO4 3-। अब ये क्या होगा, ये 3H+, कोई भी H+ क्या करता है, 3H+ जाकर के 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये जो टूटना हो रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही हो रहा है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल इसको ऐसे तोड़ने में हेल्प कर रहा है, फिर ये H+ जाके उसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और H+ जाकर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, H+ जाकर के वाटर के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म H3O+, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है और ये H3O+ बन जाता है, और इसी की वजह से एक एसिड का सारा एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, वो इसी की वजह से करता है, हाइड्रोनियम आयन्स। तो एक एसिड का जो भी एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है वो होता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन्स। तो 3H+ जब जाके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो 3H3O+ प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग इस रिएक्शन को, एक बार इसको काट देते हैं, हम लोग इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि H3PO4 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, H3PO4 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, 3H3O+, 3H3O+ बना एंड एक PO4 3-। क्योंकि H3PO4 में से ये निकला था, फिर ये जाकर के इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बना, और ये तो बना ही था तो ये भी है। तो ये हुआ ट्राइबेसिक एसिड का पूरा आयनाइजेशन, 3-स्टेप आयनाइजेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं, CH3COOH एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो विनेगर में मिलता है, वीक एसिड होता है ये। इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बेसिसिटी 4 है, बेसिसिटी इसका 4 नहीं है, मतलब कि ये चारों हाइड्रोजन निकल के H+ नहीं बनेगा। ये एसिटिक एसिड जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एसिड है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड,
उसमें क्या होता है कि ये जो सामने वाला जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, सिर्फ जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है वो निकलेगा। तो ये ऐसे आयनाइज होगा CH3CWH, ये ऐसे आयनाइज होगा, लास्ट वाला H जो है वो निकल जाएगा H प्लस, और बाकी का जो पार्ट है उस पर एक नेगेटिव चार्ज CH3CW माइनस। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो इसका बेसिसिटी जो है, इसमें चार हाइड्रोजन आटम है अंदर में, लेकिन इसका बेसिसिटी वन है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन आटम निकल के H प्लस बनेगा। अब ये थ्री स्टेप आयनाइजेशन जो इसका हम लोग ने देखा, इसका एप्लीकेशन बताते हैं। तो अगर सपोज इसके साथ सपोज एक बेस रिएक्ट कर रहा है NaOH, फॉस्फोरिक एसिड के साथ एक बेस या एल्कली रिएक्ट कर रहा है NaOH, और इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन या वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यूजुअली जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के अंदर जो मेटालिक आयन रहता है, पॉजिटिव आयन, कैटायन, वो जाकर के एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम भी बोलते हैं। तो अगर काफ़ी सारा हमारे पास सोडियम आइटम्स होगा तो एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड में तीन मॉलिक्यूल NaOH उसके साथ रिएक्ट करेगा और थ्री सोडियम आइटम्स जाकर के फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल का तीनों हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर देगा और Na3PO4 ऐसा एक सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि Na प्लस क्रिस्टल्स करके भी देख लेते हैं, Na प्लस सोडियम आयन होता है वो जब फॉस्फेट PO4-3- के साथ रिएक्ट करेगा तो Na और ये वाला 3 इसके नीचे आ जाएगा और PO4 यहाँ पे 1 है इसके नीचे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Na3PO4 बनता है। तो जब ये NaOH अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, काफ़ी सारा NaOH का मॉलिक्यूल्स होगा, तो बहुत सारा सोडियम आइटम्स भी अवेलेबल होगा और वो जाकर के फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, सारा का सारा हाइड्रोजन, सारा ही इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम है। तो फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल का तीनों हाइड्रोजन तीन सोडियम आइटम से रिप्लेस होकर के ये सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है NaOH का बेस का, तब क्या होगा? तो तब हम लोग को उतना सोडियम आइटम नहीं मिलेगा कि फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल में तीनों हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर सके। तो अगर सोडियम आइटम इतना ही कम रहा कि यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाया, तो क्या होगा? फिर दो हाइड्रोजन बच जाएगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक सोडियम आ जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, दो हाइड्रोजन बच जाएगा और ये NaH2PO4 ये बनेगा। तो तब इसका मतलब ये है कि H3PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड, वो सिर्फ एक स्टेप डिसोसिएशन किया, एक स्टेप सिर्फ उसका डिसोसिएशन हुआ, ये H2PO4 माइनस आयन बना और इसके साथ सोडियम रिएक्ट कर गया, NaH2PO4 सॉल्ट बनेगा। तब एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता, तब ये सॉल्ट बनेगा। अगर NaOH का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तब क्या होगा? इसका दो हाइड्रोजन आइटम को दो सोडियम आइटम रिप्लेस कर देगा, तब बनेगा Na2HPO4। दैट मीन्स तब जो फॉस्फोरिक एसिड है वो टू स्टेप डिसोसिएशन किया है और ये वाला आयन HPO4 वाला आयन हम लोग को मिला और उसके साथ सोडियम ने रिएक्ट करके ये बना। और अगर काफ़ी सारा सोडियम आइटम है तब तो फिर एक फॉस्फोरिक एसिड का तीनों हाइड्रोजन को सोडियम आइटम रिप्लेस कर देगा और Na3PO4 बन जाएगा। तब दैट मीन्स कि फॉस्फोरिक एसिड का तीनों स्टेप हुआ है डिसोसिएशन का और PO4-3- आयन हम लोग को फाइनली मिला है, तब जाकर के सोडियम उसके साथ रिएक्ट करके ये Na3PO4 बनाया है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ट्राइबेसिक एसिड, उसका डिसोसिएशन थ्री स्टेप का, उसका ओवरऑल रिएक्शन, और फिर उसके बाद कैसे जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो ये काम आता है ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा हम बता देंगे।